हेलो वन, मैं दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, आदित्य रॉय कपूर की पिक्चर लगी है आज, नाम है गुमराह। टाइटल बहुत मजबूत है, गुमराह। इसके पहले भी ऐसे टाइटल की पिक्चर आई थी बॉलीवुड में। आदित्य रॉय कपूर इन डबल रोल, उनके साथ में है मृणाल ठाकुर द एवर ब्यूटीफुल, और नई हीरोइन है वेदिका पिंटो। हमारे साथ में हमारे क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी गुमराह। 7 अप्रैल को लगी है, एक ही पिक्चर है आज बॉलीवुड की। कैसे लगी आप? मुझे तो गुमराह यार संजू बाबा की और श्रीदेवी की, तो पिक्चर की बात अलग थी, जबरदस्त पिक्चर थी। वो पिक्चर लगी थी यहाँ चंदे में जाने। अच्छा, हाउसफुल पैक राजीय गुमराह ही है, जबकि यह गुमराह तो रीमेक है थड़म की जी। मुझे ये समझ में आता है कि बॉलीवुड वाले रीमेक क्यों बनाते हैं। अरे कितने रीमेक बनाओगे अपने पास? पठान के बाद में लाइन लग गई रीमेक की। टोटल रीमेक ही रीमेक बनाते, क्यों बनाते हैं भाई? अपने पास सलीम जावेद साहब है, अभी भी गुलजार साहब भी जिंदा है, सभी जिंदा है, उनसे कहानी लिखा ही है, और इससे भी अच्छे अच्छे राइटर और भी है जी। पता नहीं रीमेक क्यों बनाते हैं। आज फिर ये पिक्चर मार खा गए, आज ऑडियंस नहीं थी, ऑक्यूपेंसी के लिए मार खा गए पिक्चर। कहाँ से आएगी? जब रीमेक लोगों ने देखा है तो क्यों आएगी? बात आती तो कपूर तीसरी से बड़ी पिक्चर है जी। सबसे पहला सस्पेंस पहले ही खोल दिया लोगों, जब मर्डर होकर आते, जब दूसरा को आता है वहीं खोल दिया। ये थोड़ा रखना था कि डबल रोल में क्या हो रहा है, पिक्चर उधर ही मार खा गई। अच्छा, फर्स्ट हाफ ठीक था, सेकंड हाफ में थोड़ा मजा आता है। सेकंड हाफ में मजा आया, सेकंड हाफ में मजा आया। टाइट है स्क्रीन प्ले, सेकंड हाफ एकदम टाइट सा लग रहा है। किसने मर्डर किया होगा? एक बिजनेसमैन ने, और एक थोड़ा बेवड़ा टाइप बताया। जो बेवड़ा टाइप का एक्टिंग करता ना वो आदित्य रॉय कपूर, बहुत जबरदस्त। हर बार बेवड़े में हिट हुआ है, पिक्चर हिट हुआ है आदित्य रॉय कपूर की, और उसका ही काम अच्छा है। तो सस्पेंस नहीं बोलूंगा, हीरोइन का मर्डर हो जाता है जी जी जी। मर्डर क्यों होता है ये आपको देखनी पड़ेगी पिक्चर। ओके ओके, वहाँ से फिर कहानी शुरू होती है। सस्पेंस बहुत अच्छा बताया लोगों ने कि दोनों छूट जाते हैं, ये बड़ी बात है। ओह ओके, ये सबसे कैसे छूटते, क्या होता है वो देखने के लिए पिक्चर देखनी पड़ेगी। दोनों मार खाते, दोनों मार खाते, अपने पता नहीं चलता है कि दोनों मार क्यों खा रहे हैं। आपने पता है ये दोनों ट्विंस हैं। ओके ओके, सच्ची कहानी यूएस में वगैरह सब जगह ये ऐसे हो चुका है जी। कहानी भी अच्छी लगी मुझे, ट्रू इवेंट पे कहानी है। हाँ। कहानी भी अच्छी लगी। हाँ। हीरोइन वेदिका भी अच्छी है, और मृणाल ठाकुर कैसी लग रही थी? पुलिस ऑफिसर के रोल में आई है, बहुत जबरदस्त काम किया उसने। उसका भी काम एकदम कड़क था। ओके, लग रही थी पुलिस ऑफिसर। ऑल ओवर फिर भी पिक्चर तो एवरेज ही बोलूंगा, एवरेज बोलेंगे पिक्चर को। गाने थे पिक्चर में, गाने दो गाने थे, एक डांस नंबर था, और लास्ट जो क्लाइमेक्स में जो गाना बसता है ना बैकग्राउंड में, हम अल्लाह के बंदे हैं दोनों हुबू, वो गाना बहुत अच्छा है। ओके ओके, जरूरत थी वो आइटम सॉन्ग की, जो इंटरवल के पहले जो दो गाने थे उसकी। 2 घंटे की पिक्चर थी, 2 घंटे 10 मिनट की पिक्चर है, उसमें थोड़ी कॉमेडी होनी चाहिए, गाने भी होने चाहिए। अपने एक ही गाना बताया। ओके, कॉमेडी एंगल्स कुछ थे? नहीं 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 था, होना चाहिए और होना चाहिए था। अगर आपके पास 2 घंटे में भी आप कुछ नहीं बता सकोगे तो क्या बताओगे? किस सीरीज की पिक्चर है जी जी, हमेशा अच्छे अच्छे आइटम नंबर देते, इस बार क्या हो गया? हाँ, नोरा मिसिंग थी, नोरा का होना चाहिए था। नोरा की तो बात अलग ही है। ओके, चलिए, वेदिका कैसी लग रही थी? वेदिका भी अच्छी लगी, और मृणाल ठाकुर ज्यादा अच्छी लगी। ओके, काम बहुत अच्छा था, काम अच्छा किया। लग रही थी पुलिस ऑफिसर एकदम कड़क। ओके, कड़क पुलिस ऑफिसर, कड़क पुलिस ऑफिसर लग रही थी। और रोनित रॉय, इसको क्यों भूल जाओगे? यस यस, रोनित रॉय भी है। कैसा है रोनित रॉय का? ओके, सबका काम अच्छा है, काम सबने अच्छा किया है। ओके, लेकिन काम तो अप डाउन हो गई है। ओके, थोड़ी मार गई, प्लस रीमेक इसलिए लोग आए नहीं। करेक्ट, बात इधर अटक जाती है। करेक्ट करेक्ट, जब भी आप रीमेक बनाओगे ऑडियंस आएगी नहीं, ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके, आपकी पिक्चर कितनी भी अच्छी हो, सिर्फ दृश्यम को छोड़ के पब्लिक आई, दृश्यम को छोड़ के दृश्यम के लिए लोग आए थे। आपने एवरेज का वर्डिक्ट दिया, लेकिन फिर भी 5 में से गुमराह कितने मिलेंगे? क्योंकि ओम द बैटल विद इन के बाद में अभी बड़े पर्दे पे दिखे। अभी राग ऊपर जानते हैं मुझे हमारे के, फिर भी एवरेज बोलूंगा, उसका काम बहुत बढ़िया है, काम अच्छा किया। जब भी बेवड़े के रोल में आता है पिक्चर सुपर हिट, आशिकी 2 से यस 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 एवरेज देंगे, एवरेज। चलिए, दिस वाज अ सुपर ऑनेस्ट रिव्यू फ्रॉम आवर क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए गुमराह, 40 साल से देखते हो यार, आज भी देखिए। ये मत बोले फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरा हो गया 40 ईयर्स से। यस, अब ये बोले मत, मैं आ ही जाता हूँ, बीमार होगा तो भी आ जाता हूँ। चलिए, थैंक यू विजय फॉर ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन ऑन गुमराह।